your topic is? बताओ बताओ क्या है? आज मैं दो व्हील टू व्हील पे आप अपना बैलेंस कैसे बना सकते हैं? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। तो चल फ्रेंड्स, आई वेंट टू सलून एंड देन आई कट माई हेयर और उसके बाद मैंने बैंग लगवाए। अभी मैंने नहीं खोले। तो चलिए अब हम अपने पापा को बुलाते हैं। पापू पापू आ जाओ। मैं अपने पापा को बुला रही हूँ ताकि वो मेरे साइकिल के पीछे पकड़ के मैं बैलेंस कर पाऊँ अपना साइकिल को। नाओ पापा आ जाओ। पापू पापू नाउ आई एम साइकिलिंग प्रॉपर। ये चली साइकिल पे बैठ कर। नाउ अब आप अपने पापा को बोल देना कि बीच बीच में छोड़ दे ताकि आप खुद बैलेंस सीख सके। इसलिए तो मैंने भी यही बोला था और देखिए छोड़ दिए। तो अभी आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। ये सेकेंड स्टेप है। तो इसमें क्या करना है, आपको बस खड़े रहना है और ऐसे ऐसे चलना है जिससे आपको अपना बैलेंस समझ आएगा और वन राउंड ऐसे ही मारना है। तो फ्रेंड्स, आपको टर्न लेना बहुत स्लोली से है। और दूसरी बात ये है कि मुझे तब बैलेंस समझ आया जब पापा मुझे बीच में छोड़ दिए। नाउ स्टेप नंबर 3, हाउ टू गो डाउन द स्लोप। यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स एंड गो स्लोली In this way. Now let's go up the slope. Now I will take a U-turn and climb the slope with high speed. Here I go. And like this. Drove my cycle very fast and ascended up. Don't keep your legs down while going up. Practice, you will be able to do this. देखो ये जो पैडल है ना, ये ऊपर होगा, जो ऊपर रहेगा आपको बस पुश करना है। ऐसे पुश करने के बाद जो दूसरा पैडल ऊपर आएगा उसके बाद आपको ऐसे चढ़ाना। समझ आया? तो ऐसे ऊपर करना है, फिर ये जब ऊपर आएगा दूसरा वाला पैडल फिर चलाना है आपको। ठीक है, ये है हमारा। अब हम सीखेंगे फोर्थ। Now you have to practice on your own without the help of elder. ये व्हील से आगे का व्हील रुकेगा और इस ब्रेक से यहाँ वाला व्हील रुकेगा। ठीक है? Now let me tell you some safety tips. Wear helmet when cycling so that if you fall then you will not get hurt on your head. Wear long pants so that you will not get much injury if you fall. Wear shoes or sandals for cycling. Do not wear slipper. Let's practice together. So how was my cycling? वीडियो को जरूर देखा होगा कि पापा पीछे पकड़े उसके बाद छोड़ दिए। मेरे को पता भी नहीं चला कि पापा कब पीछे छोड़ दिए और मैं चलाती रही साइकिल। यू कैन लर्न साइकिलिंग इन जस्ट 3 days. यू कैन रियली लर्न इट इफ यू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। यू कैन लर्न साइकिलिंग इन ओनली 3 days. इज इट पॉसिबल? इट विल बी पॉसिबल if you practice regularly. Only these 4 steps. जब training wheels या side wheels हट जाते हैं तब ये stand लगाया जाता है। देखिए मैं आपको stand use करके दिखाती हूँ। You can park your cycle with the help of this stand. आप like करना, subscribe करना, share करना ताकि आपके दोस्त भी तो सीख पाएं।